पूरा मंच राजीव दीक्षित को समर्पित है और मैं चाहूंगा कि अपने मोबाइल फोन को या तो स्विच ऑफ कर लें या फिर उसे साइलेंट मोड में डाल दें, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए या स्वस्थ होने के लिए यह हमारा पहला चरण होगा। श्री राजीव दीक्षित जी। चेन्नई नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, माताओं बहनों, मैं बहुत आभारी हूं आप सभी का और विशेष रूप से श्री शोभा कांत जी का, प्रदीप भाई का, निरंजन भाई का, मेघानी भाई, इन सबका बहुत आभारी हूं कि इन सबकी प्रेरणा से मुझे आपके बीच में एक ऐसे विषय पर बात करने का मौका मिला जिन विषयों पर मैं पहले बात नहीं करता था। हमारी जो चिकित्सा और स्वास्थ्य का विषय है, इस पर बात करने की प्रेरणा मुझे पिछले 3-4 साल पहले हुई जब मैंने भारत सरकार को एक पत्र लिखा था। मैंने भारत देश की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र लिखा था ये जानने के लिए कि हमारे देश के लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। हमारे देश की सरकार हर 10-10 साल में एक जनसंख्या की गणना कराती है जिसको सेंसस कहते हैं हमारे देश में। तो जब सेंसस होता है तब उस समय यह भी गणना की जाती है कि कितने लोग बीमार हैं, किनको क्या क्या बीमारी है और कितने लोग स्वस्थ हैं, कितने संपूर्ण स्वस्थ हैं, कितने आधे स्वस्थ हैं। तो मैंने आज से लगभग 4 साल पहले एक पत्र लिखा था स्वास्थ्य मंत्री को और उसमें एक ही प्रश्न पूछा था कि भारत के लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। तो हमारे देश के मंत्री महोदय के सचिव ने, सेक्रेटरी ने उत्तर दिया कि देश के लोगों की स्वास्थ्य की जो स्थिति है उसके लिए हम आपको पूरा डाटा भेज रहे हैं, आप उसका अध्ययन करके खुद अंदाजा लगा लीजिए। तो सरकार ने जो मुझको डाटा भेजा वो 1-2 पन्ने का नहीं था, वो काफी 600-700 पन्ने का मोटा सा एक पुलिंदा था। उसमें जो सेंसस की रिपोर्ट थी वो पूरी उन्होंने लिखी थी। वो पढ़कर मुझे बहुत परेशानी हो गई। परेशानी क्या हो गई कि उसमें उन्होंने बताया कि लगभग 112 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं और 112 करोड़ लोगों में स्वस्थ लोगों की संख्या गिनती की 25 से 30 करोड़ है। बस 25 से 30 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में जिनको स्वस्थ कहा जा सकता है, जिनको किसी तरह का कोई रोग नहीं है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। बाकी जितने भी लोग हैं सभी को कुछ न कुछ तकलीफें हैं। जैसे भारत सरकार के विशेषज्ञों ने यह कहा कि 5 करोड़ लोग इस देश में हैं जिनको डायबिटीज है, मधुमेह है, खराब बीमारी है। दुनिया के ज्यादातर डॉक्टर कहते हैं कि ये जल्दी ठीक नहीं होने वाली बीमारी है और ये 5 करोड़ लोगों को हो गई है। और विशेषज्ञ ये कहते हैं उस रिपोर्ट में कि अगर यही गति और रफ्तार से डायबिटीज बढ़ती गई तो अगले 2014 तक लगभग 10 से 12 करोड़ लोगों को ये होगी। फिर उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि 12 से 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको लंग्स इन्फेक्शन की भिन्न भिन्न बीमारियां हैं, जैसे दमा है, अस्थमा है, सांस फूलती है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, ऐसे 12-13 करोड़ लोग। फिर वो विशेषज्ञों की रिपोर्ट कहती है कि भारत में लगभग 15-16 करोड़ लोग हैं जिनको घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, हड्डियों का दर्द, जिसको आप संधिवात कहते हैं सरल भाषा में, ये हड्डियों के जोड़ों के दर्द की बीमारियां हैं। फिर उसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 9 से 10 करोड़ लोग हैं जिनको पेट का कुछ न कुछ तकलीफ है, जिनको पित्त की बीमारियों के द्वारा हम लोग अक्सर परिभाषित करते हैं, गैस बनना, एसिडिटी होना, अल्सर होना, पेप्टिक अल्सर होना, हाइपर एसिडिटी होना वगैरह वगैरह। और ये सब मैं पढ़ता गया और एक जगह लिखा हुआ था रिपोर्ट में बहुत परेशान करने वाली बात कि 20 से 22 करोड़ लोग हैं जिनको आंखों की कुछ ना कुछ बीमारी है, या तो कम दिखता है या बिल्कुल नहीं दिखता, रात में नहीं दिखता, दिन में दिखता है तो रंग का अंतर पता नहीं चलता, हम लोग अंग्रेजी में उनको नाइट ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस या ग्लूकोमा जैसी बीमारियों से परिभाषित करते हैं। और ये पढ़ते पढ़ते मैं परेशान होता गया। अंत में रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में सरकार की तरफ से ये बताया गया था कि ये सब बीमारियां तो हैं और सरकार इनके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है। हर साल केंद्र सरकार का बजट है इन बीमारियों को ठीक करने के लिए, वो करीब 96,000 करोड़ रुपए का है, परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों मिलाकर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर राज्य सरकारों के अलग अलग बजट हैं,
उन्होंने बताया कि जैसे तमिलनाडु की राज्य सरकार का बजट 35,000 करोड़ का है, आंध्र प्रदेश की सरकार का बजट 28,000 करोड़ का है, ऐसे अलग अलग राज्यों की सरकारों का बजट है। केंद्र सरकार का बजट और राज्य सरकार का बजट दोनों मिलाकर औसत मैंने निकाला तो लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्चा है सरकार की तरफ से। फिर ये पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद और एक हिस्सा है रिपोर्ट का कि भारत की सरकार कहती है कि विभिन्न बीमारियों का इलाज करने के लिए इस देश में जो डॉक्टरों की संख्या है जो रजिस्टर्ड है वो 23 लाख है। MBBS, MD, MS, BAMS माने आयुर्वेद के और प्लस BHMS होम्योपैथी के, तीनों विधाओं के, होम्योपैथी, आयुर्वेद और एलोपैथी तीनों मिलाकर सरकार कहती है कि 23 लाख डॉक्टर हैं जो रजिस्टर्ड हैं। अब 23 लाख डॉक्टर और लगभग 70 से 75 करोड़ मरीज या बल्कि 80 करोड़ मरीज, तो मैंने हिसाब निकाला कि एक डॉक्टर कितने लोगों का इलाज कर सकता है। अगर ईमानदारी से कोई डॉक्टर सवेरे से शाम तक, सवेरे 7 बजे से शाम 7 बजे तक क्लिनिक में काम करे तो ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों को वो देख सकता है। अब 23 लाख डॉक्टर हैं और 50 का उसमें गुणा कर दो तो बीमारों की संख्या और जिनका इलाज हो पा रहा है उनकी संख्या में जमीन आसमान का अंतर है। फिर मैंने एक दूसरा पत्र लिखा और मैंने स्वास्थ्य मंत्री को ये कहा कि ये डॉक्टरों की संख्या तो पर्याप्त नहीं है बीमारों का इलाज करने के लिए, क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए? तो मंत्री के यहां से पत्र आ गया कि भारत की सरकार और राज्य की सरकारों ने अब तक जितने डॉक्टर्स बनाए हैं इनको बनाने में करीब 10 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च हो चुका है, अगर ये संख्या हम दुगनी करें तो 20 लाख करोड़ रुपए हमें चाहिए, सरकार के पास इतना धन उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये व्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी मालूम नहीं। फिर मैंने भारत सरकार को याद दिलाया कि भारत सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया हुआ है जिसमें कई देश शामिल हैं और वो समझौते का टाइटल है 2014 तक सभी स्वस्थ। भारत में सन 2014 तक सभी को स्वस्थ हो जाना है, ये सरकार का समझौता है। तो 2014 तक कैसे होने वाला है? मुझे नहीं लगता कि कोई होने की संभावना है और सरकार स्वीकार करती है कि जिस गति से सरकार काम कर रही है अगर सभी हिंदुस्तानियों को स्वास्थ्य दिया जाए, चिकित्सा दी जाए, तो कम से कम 350 साल लगेंगे। ये कैलकुलेशन मैंने कैसे निकाला? हर साल जितने डॉक्टर इस देश में पढ़कर निकल रहे हैं एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद के, और उसमें देश का जो ग्रोथ रेट है 10% वो जोड़कर हर साल उनकी संख्या बढ़ती जाए तो 350 साल में सभी को चिकित्सा और स्वास्थ्य मिल जाएगा। अब पता नहीं 350 साल में कितने जीवित बचेंगे और कितने यहां से चले जाएंगे। अब मेरी एक जो दुख की बात है मन की, वो ये कि 350 साल में जनसंख्या अगर जो बढ़ रही है उसको जोड़ दिया इसमें तो किसी को भी स्वास्थ्य कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकेगा। जब ये जानकारी मुझे आई तो मैं बहुत परेशान हुआ और मैंने सोचा कि ये तो बड़ी गंभीर स्थिति है। फिलहाल पिछले कुछ वर्षों से मैं स्वामी रामदेव जी के साथ जुड़ा हूं, उनसे जब मैंने इन सब विषयों पर चर्चा की तो वो भी कहते हैं कि बात तो बहुत गंभीर है, सबको स्वास्थ्य मिलना सरकार के बूते का और सरकार के दम पर और चिकित्सा जो चल रही है इस देश में उसके दम पर तो संभव नहीं है, कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए मैंने भारत देश के कई बड़े चिकित्सकों से बात करना शुरू किया, ऐसे वैद्यों से बात करना शुरू किया जो आयुर्वेद के बड़े पंडित माने जाते हैं इस देश में। विशेष रूप से एक वैद्य है हार्डीकर, पूना में रहते हैं और उनका भारत में बहुत बड़ा ऊंचा स्थान है। आजकल हिंदुस्तान के आयुर्वेद चिकित्सा के जो विशेषज्ञ हैं वो उनको आधुनिक चरक कहते हैं, इतनी ऊंची स्थिति है उनकी, हार्डीकर जी की। उम्र उनकी लगभग 85 वर्ष हो चुकी है। मैंने हार्डीकर जी से कहा कि भारत की चिकित्सा की जो स्थिति है वो ये है, सरकार कहती है, आप क्या मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि भारत में किसी को भी सरकार के भरोसे चिकित्सा कभी नहीं मिल सकती, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी चिकित्सा स्वयं करे तभी रास्ता खुलेगा और कोई रास्ता नहीं। हार्डीकर जी ने एक दिन मुझे कहा कि तुम जानते हो 200 साल पहले हिंदुस्तान में लोग बीमार नहीं थे इतने। तो मैंने कहा आप कैसे कहते हैं? उन्होंने कहा स्टेटिस्टिक्स देख लो, आंकड़े देख लो।
तो 200 साल पहले के भारत के लोगों के चिकित्सा और स्वास्थ्य के आंकड़े मैंने इकट्ठे किए जो अंग्रेजों की सरकार के द्वारा तैयार किए गए थे, क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेजों की सरकार चलती थी। तो मुझे हैरानी हुई कि आज जितने बीमार हैं और उस समय जितने बीमार थे, आज जितनी जनसंख्या है और 200 साल पहले जितनी जनसंख्या है, वो सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अगर आपको सरल भाषा में कहूं कि अगर आज 100% लोग बीमार हैं तो 200 साल पहले मुश्किल से 8 या 10% लोग ही बीमार थे। अब वो 8 से 10% लोगों की चिकित्सा के लिए अंग्रेजों ने एलोपैथी व्यवस्था यहां शुरू की थी, जो शायद पर्याप्त रही होगी क्योंकि बीमारों की संख्या बहुत कम थी। आज बीमारों की संख्या हमारी कुल संख्या की 70 से 80% हो गई है और ये चिकित्सा लगभग फेल हो गई है। पिछले 60 वर्षों में आजादी के बाद आप सब जानते हैं, सरकार भी मानती है इस बात को, कि जितना विकास हुआ है एलोपैथी चिकित्सा का, जितने डॉक्टर बढ़े हैं, जितनी दवाएं बढ़ी हैं, जितने हॉस्पिटल्स बढ़े हैं, जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं, उतनी बीमारियां कई गुना गति से बढ़ गई। अब न हॉस्पिटल पर्याप्त हैं न डॉक्टर पर्याप्त हैं। आप अक्सर आए दिन अखबारों में समाचार पढ़ते होंगे, टीवी पर देखते होंगे कि लोगों को बिना इलाज के मर जाना पड़ता है, बिना दवा के मर जाना पड़ता है, हॉस्पिटल के बाहर बेचारे पड़े रहते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि उनके ऊपर काम का इतना बोझा है कि वो सभी पेशेंट को अटेंड नहीं कर सकते। ये दोनों तरफ की बातें समझने के बाद मुझे वैद्य हार्डिकर जी की बात समझ में आई कि सब लोग अपनी चिकित्सा करने लगे हैं तो रास्ता खुलता है सभी के स्वस्थ होने का। तो मैंने एक दिन हार्डिकर जी को पूछा कि क्या ये संभव है कि हर आदमी अपनी चिकित्सा खुद कर ले, तो डॉक्टर की क्या जरूरत है? तो उन्होंने कहा है कि डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, आपसे कुछ बातें पूछेगा, आपको भूख लगती है कि नहीं, प्यास लगती है कि नहीं, नींद आती है कि नहीं, खाना अच्छा लग रहा है कि नहीं, वगैरह वगैरह, और ये सब आप उसको बताएंगे। ये सब बताने के बाद वो अपना कंक्लूजन आपको बताएगा कि आपको फलाना रोग हुआ है या आपको ऐसी तकलीफ हुई है। मतलब क्या है, डॉक्टर ने जो कुछ बताया आपके कहने पर, वो कोई भगवान तो नहीं है, ऐसा डॉक्टर तो कहीं नहीं है कि जो आप कुछ भी ना कहो और बता दे कि आपको ऐसा है। शायद 250-300 साल पहले रहे होंगे ऐसे कुछ चिकित्सक जो नाड़ी देखते ही बात करते थे कि आपने 10 दिन पहले ये खाया। हार्डिकर जी ने मुझे बताया कि ऐसे वैद्य रहे हैं इस देश में जो 1 मिनट आपकी नाड़ी पकड़ लें तो बता देंगे कि कल क्या खाया, 2 दिन पहले क्या खाया, 4 दिन पहले क्या खाया, 10 दिन पहले क्या खाया। अब ऐसे लोगों की कमी बहुत है इस देश में, संख्या भी कम है। तो हार्डिकर जी ने मुझे कहा कि आप जो बताते हैं डॉक्टर उस पर से अपना तय करता है, लेकिन उसमें भी वो पक्का नहीं होता। एलोपैथी चिकित्सा में तो सिद्धांत ही है ट्रायल एंड एरर, माने कोशिश करो और गलतियां करो, कोशिश करो और गलतियां करो, कोशिश करो माने तीर चलाओ, लगे तो ठीक नहीं तो तुक्का। ये बात हार्डिकर जी के मुंह से सुनी तो मुझे लगा कि वो आयुर्वेद चिकित्सक हैं, शायद इसलिए ऐसा बोलते होंगे। फिर मैंने ये बात कंफर्म करने के लिए एलोपैथी के कई बड़े डॉक्टरों से बात की, बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से बात की, दिल्ली में, मुंबई में। वो कहते हैं कि देखो बात तो सही है लेकिन हम इसको जाहिर में नहीं कह सकते, माने आप जैसे लोगों के सामने नहीं कह सकते कि हम सब ट्रायल एंड एरर पे काम करते हैं, हम सब तीर चलाते हैं, लग जाए तो ठीक है नहीं तो तुक्का है। माने आपका जो इलाज किया जाता है वो एक कुछ एजम्पशंस के आधार पर है, कन्फर्म कुछ भी नहीं है उसमें। काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो आप तो मर ही जाएंगे, डॉक्टर कहेगा मैंने तो बहुत कोशिश की अब मैं क्या कर सकता हूं, और आप चुपचाप अपने पेशेंट की डेड बॉडी लेके वहां से चले आएंगे। मैं आपको एक बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के एलोपैथी चिकित्सा के शीर्षस्थ डॉक्टर जो इस देश में हैं, उनकी एक संस्था है, वो संस्था की एक कॉन्फ्रेंस में मैं चला गया था गलती से। एक डॉक्टर मुझे पकड़ के ले गया था, मेरा जाने का तो कोई अधिकार नहीं था लेकिन डॉक्टर ले गया था। वो कहता था कि तुम सुनना बस बैठ के, हम बात क्या करते हैं, कुछ बोलना नहीं, कुछ कहना नहीं, रिएक्ट नहीं करना, बस सुनना, हम देखो क्या बातें करते हैं। तो उस कॉन्फ्रेंस में 3 दिन में बैठा रहा दिल्ली में, जो बातें होती हैं वो आपको सुना दी जाए तो आप किसी भी एलोपैथी चिकित्सक के पास नहीं जाएंगे।
वो बिल्कुल इस तरह से बातें करते हैं जैसे कोई कसाई बकरे को काटने से पहले बात करता है। ऐसी स्थिति इस देश में आ गई है। फिर तीन दिन सुनने के बाद मैं परेशान हो गया, तो मैंने वो डॉक्टर से कहा मैं जाना चाहता हूं। उसने कहा अब तुम समझ गए हम लोग क्या हैं। तो मैंने कहा ये आपने मुझे समझाया क्यों? तो उन्होंने कहा तुम एक काम कर सकते हो जो हम नहीं कर सकते, कि ये बातें दूसरों को समझा दो। ऐसी स्थिति है। उसमें जो सबसे गंभीर बात हुई थी वो मैं आपको एक वाक्य में कहना चाहता हूं। वो ये कहते थे, सभी डॉक्टर एक दूसरे से सहमत होते हुए, कि 250 वर्षों में एलोपैथी चिकित्सा ने एक ही काम किया है, दर्द से लड़ने का, बस इसके अलावा कुछ नहीं। 250 वर्षों में एलोपैथी चिकित्सा ने एक ही रिसर्च किया है, एक ही काम किया है, एक ही शोध किया है, वो दर्द से लड़ने का, इसके आगे कुछ नहीं है। और ये बात मैं बहुत घंटों घंटों सोचता रहा, तब जाकर मुझे मन में प्रेरणा हुई कि मुझे तो भारत के लोगों को कुछ और बताने की जरूरत है। तब मैंने हार्डिकर जी को पूछा कि अब मेरे समझ में आया, आप बताइए क्या करना चाहिए। तो उनका देखो, आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें महान महान लोगों ने, चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि, बागभट्ट ऋषि, निघंटु ऋषि, पाराशर ऋषि, ये सब महान महान लोगों ने एक बात कॉमन कही है, और वो ये कही है कि जो व्यक्ति मरीज होता है वो सबसे अच्छा डॉक्टर हो सकता है। इसको आप गंभीरता से मनन करते रहिए। ये बात चरक ने भी कही है, सुश्रुत ने भी कही है, बागभट्ट ने कही है, निघंटु ने कही है, पाराशर ने कही है, कि जो रोगी होता है वो सबसे अच्छा डॉक्टर हो सकता है, क्योंकि उसको अपने दुख और तकलीफ का जितनी गहराई से महसूस हो सकता है वो किसी भी डॉक्टर को नहीं होता। जो अपने दुख तकलीफ को गहराई से महसूस कर सकता है वो चिकित्सा भी कर सकता है, बस उसको कुछ ज्ञान की जरूरत है। और कुछ ज्ञान, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्ञान अगर उसके जीवन में है तो वो कहते हैं कि वो हर तरह की बीमारी से लड़ सकता है और दूसरों को मदद कर सकता है। उनके इस वाक्य से मुझे बहुत प्रेरणा हुई कि जो रोगी है वो सबसे अच्छा चिकित्सक हो सकता है। और आयुर्वेद के जितने बड़े पंडित हैं वो भी मानते हैं इस बात को। वो ये कहते हैं कि आयुर्वेद का 85% हिस्सा, ये बात मैं आप सबको बहुत विनम्रता पूर्वक लेकिन गंभीरता से कह रहा हूं, इसको आप कभी भूलिएगा मत, आपके जीवन के स्वास्थ्य और चिकित्सा का 85% हिस्सा इतना सरल और आसान है कि आप स्वयं उसे कर सकते हैं। मात्र 15% हिस्सा ऐसा है जिसमें आपको किसी विशेषज्ञ की मदद की जरूरत पड़ सकती है, मात्र 15%। अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो आप जानते हैं 33% पर आदमी पास हो जाता है, और उसके ऊपर सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, और 60 पे तो फर्स्ट डिवीजन होती है, 75% पे तो डिस्टिंक्शन आ जाती है। मैं 85% की बात कर रहा हूं। 85%, 85% चिकित्सा और स्वास्थ्य का हिस्सा ऐसा है जो आप स्वयं अपने जीवन में कर सकते हैं बिना किसी विशेषज्ञ की मदद के। बस 15% हिस्सा है जिसमें किसी विशेषज्ञ की जरूरत है। और आपको मैं एक आगे की बात कहता हूं कि ये जो 15% हिस्सा है आपकी जिंदगी का जिसमें आपको विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है, ये हिस्से में सबसे कम बीमारियां हैं, सबसे कम बीमारियां। माने जहां आपको विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़े आपके जीवन में, वो बीमारियों की संख्या सबसे कम है। और जहां विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है आपको अपने जीवन में, वो बीमारियां सबसे ज्यादा है। इसका माने कि हम 85% तो डॉक्टर हो ही सकते हैं। कंक्लूजन इस बात का ये है। अब आप अगर 85% से और बेहतर डॉक्टर होना चाहते हैं तो बागवत ऋषि कहते हैं कि अपने शरीर को थोड़ा जान लीजिए, बस। और वो दूसरी महत्व की बात कहते हैं कि अपने भोजन को पहचान लीजिए। शरीर को जान लीजिए, भोजन को पहचान लीजिए, तो वो कहते हैं आप 100% डॉक्टर हो सकते हैं। शरीर को जान लीजिए मतलब थोड़ा फिजियोलॉजी, थोड़ा एनाटॉमी आज की भाषा में मैं कहूं, थोड़ा शरीर विज्ञान आपको मालूम हो,
और ये बहुत आसान है आजकल, कोई मुश्किल काम नहीं है। भारत सरकार ने विभिन्न तरह की छोटी छोटी पुस्तकें छपा रखी हैं जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। एनसीईआरटी के सिलेबस में अब तो ये आ गया है, वो किताबें बाजार में उपलब्ध हैं, आप खरीद लाइए और आपको थोड़ा फिजियोलॉजी तो समझ में आ ही जाएगा, थोड़ा बहुत एनाटॉमी समझ में आ जाएगा, शरीर के क्या क्या अंग हैं, अंगों के क्या क्या उपांग हैं, हृदय है तो कहाँ है, लीवर है तो कहाँ है, किडनी है तो कहाँ है, लीवर का किडनी से क्या संबंध है, किडनी का हृदय से क्या संबंध है, आपस के उनके इंटर रिलेशनशिप है। अब तो एक चार्ट आता है कैलेंडर जैसा, मेरी आपको विनती है कि खरीद के एक टांग लीजिए अपने घर में, आपको भी मदद करेगा, आपके बच्चों को भी मदद करेगा। तो ये हिस्सा बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। बस इसमें जो मुश्किल हिस्सा है वो ये कि शरीर के अंगों के और उपांगों के जो नाम हैं वो जो भाषा में दिए गए हैं वो आपको थोड़ा कम समझती है, तो आप आयुर्वेद वाला ले लीजिए, वो आसानी से समझ में आएगा, उनके आपस के संबंध वगैरह वगैरह। मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि ये उपलब्ध है आपके सामने, और इसमें ज्यादा बात करूंगा तो समय खर्च होगा। आपको सिर्फ संकेत कर रहा हूं कि आज आप चाहे तो आज नहीं तो एक दो दिन में कुछ ऐसी पुस्तकें फिजियोलॉजी एनाटॉमी की खरीद लें, नहीं तो एक कैलेंडर चार्ट आता है वो ले लें, दो तीन कैलेंडर के चार्ट आते हैं वो ले लें। अभी सरकार ने एक 12 कैलेंडर का चार्ट निकाला है, बहुत ही सरल भाषा में है, बहुत आसान है, उसको घर में टांग कर पलटते रहें, देखते रहें, ज्यादा से ज्यादा 8-10 दिन आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा लीवर क्या है, हृदय क्या है, किडनी क्या है, आपस के इनके फंक्शंस क्या है। ये बात बागवत जी कहते हैं कि थोड़ा शरीर को जान लो और भोजन को पहचान लो। अब उसमें आगे उन्होंने एक सूत्र लिखा है संस्कृत में कि शरीर को जानना अगर है तो ठीक है, इसको जरा और समझिएगा, शरीर को जानना है तो ठीक है लेकिन भोजन को पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी। माने उनका कहना यह है कि शरीर को जान लें तो ठीक है, नहीं जाने तो भी भोजन को तो पहचान लें। और भागवत जी ने पूरी विनम्रता से, पूरी गंभीरता से एक बात लिखी है कि जिसने भोजन को पहचान लिया उसको जिंदगी में कभी भी किसी चिकित्सक की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अब भोजन को पहचान लिया माने रसोई घर को पहचान लिया, सीधी सी बात। और भागवत जी कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी खोज अगर कोई है तो वो रसोई घर है। और वो कहते हैं कि सबसे बड़ा विज्ञान अगर कोई है तो ये रसोई घर का विज्ञान है, जिसको भोजन विज्ञान कहें या पाक शास्त्र कला कहें, जो भी बात आप कहना चाहें। वो ये कहते हैं कि इससे बड़ी खोज पूरी दुनिया में हुई नहीं और अगले हजारों साल होगी नहीं। इतनी गहरी बात वो कहकर चले गए यहां से। वो कहते हैं कि पिछले हजारों साल में हुई नहीं भोजन से ज्यादा रिसर्च और अगले हजारों साल में होगी नहीं। और मैं अपने अनुभव से और आप खुद अपने अनुभव से ये बात कह सकते हैं कि दुनिया में भोजन और रसोई पर सबसे ज्यादा रिसर्च अगर कहीं हुई तो भारत में हुई, और अगले हजारों साल भी होगी तो भारत में ही होगी। क्यों? दूसरे देशों में भोजन ही नहीं है, रिसर्च क्या करेंगे? हो भोजन तब तो रिसर्च करें। आप में से बहुत सारे लोग यूरोप गए होंगे, अमेरिका गए होंगे, आप देखिए भोजन क्या है उनके पास, ले दे के एक पाव रोटी और डबल रोटी। अब वो आलू से खा लो या प्याज से खा लो, प्याज से खा लो कि आलू से खा लो, उसको बीच में काट के प्याज भर लो या प्याज बगल में रख के खा लो, उसको पिज्जा कह दो, बर्गर कह दो, हॉट डॉग कह दो, कोल्ड डॉग कह दो, वो प्रिपरेशन तो एक ही है ना। और वो प्रिपरेशन है मैदे का, मैदे को सड़ाकर बनाया हुआ। इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं जिसको फूड स्टफ कहा जाए, माने सॉलिड भोजन, मुख्य भोजन कहा जाए, वो उनके पास एक ही है, पाव रोटी डबल रोटी। उसको वो मछली से भी खा सकते हैं, गाय के मांस से भी खा सकते हैं, बकरे के मांस से भी खा सकते हैं, या वगैरह वगैरह कहीं से कुछ भीख में मिल गया, दाल चावल वगैरह तो उसके साथ खा सकते हैं, वो सब भीख में मिला हुआ है, उनके यहां कुछ होता होता है नहीं। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। एक बार एक विदेशी व्यक्ति से मेरा झगड़ा हो गया, एक जर्मनी का व्यक्ति था, उससे झगड़ा हो गया। झगड़ा कुछ इस बात का था कि भारत महान है कि जर्मनी महान है। ये जर्मनी के लोगों को आप जानते हैं, थोड़ा शॉविनिज्म बहुत है, खराब शब्द है शॉविनिज्म, लेकिन मैं इस्तेमाल कर रहा हूं,
वो कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, दुनिया में हमसे बड़ा कोई नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं वगैरह वगैरह। हिटलर भी यही कहता था। तो उसकी महानता की हवा निकालने के लिए मैंने उससे कुछ सवाल कर लिए तो परेशान हो गया, लेकिन जर्मनी की असलियत सामने आ गई। मैंने उसको पूछा तुम्हारे देश में क्या होता है, गन्ना होता है गन्ना, शुगर केन, तो उसने कहा नहीं होता। आम होता है आम, नहीं होता। केला होता है, नहीं होता। चीकू होता है, नहीं होता। संतरा होता है, नहीं होता। मौसमी होती है, नहीं होती। जब बहुत परेशान हो गया तो कहने लगा देखिए मिस्टर राजीव दीक्षित, कोई भी मीठी चीज मेरे देश में नहीं होती। अब बात आगे करिए, कोई भी मीठी चीज मेरे देश में नहीं होती, एक वाक्य में उसने खत्म कर दिया। फिर मैंने कहा अच्छा चलो मीठी चीज नहीं, कड़वी चीज पूछते हैं, मेथी होती है, मेथी, मेथी तो मीठी नहीं है, तो मेथी होती है, उसने कहा नहीं होती। पालक होता है, नहीं होता। चुकंदर होता है, नहीं होता। फिर थोड़ी देर में परेशान हो गया, कहने लगा हरे पत्ते की कोई चीज मेरे देश में नहीं होती। तो मैंने कहा फिर होता क्या है, तो उसने कहा दो ही चीजें हैं, एक तो आलू होता है और एक प्याज होती है, तो आलू को प्याज में मिला के खा लो या प्याज को आलू में मिला के खा लो, और कुछ नहीं होता। फिर मैंने उसको गिनाना शुरू किया कि देखो भारत में क्या क्या होता है, मीठी चीजों में क्या क्या होता है, खट्टी चीजों में क्या क्या होता है, तीखी चीजों में क्या क्या होता है, कसैली या कड़वी चीजें क्या क्या है, छह रस है ना, षड रस की बात कही जाती है, छह रस में मैंने गिनाना शुरू किया तो वो कहता है कि यार इसमें तो एक एनसाइक्लोपीडिया लिख जाएगा। मैंने कहा यस भारत में इतना ही होता है। और मैंने उसको जब ये कहा कि ये हर गांव में होता है तब तो वो बहुत परेशान हो गए। मैंने कहा हर गांव में होता है, 7,32,000 गांव है, हर गांव में ये सब होता है, माने किसी गांव को दूसरे पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है नमक को छोड़कर। तब उसने कहा कि सच में इंडिया इज ग्रेट, ये ग्रेटनेस है अपने देश की। हमको अगर ये समझ में आती है तो बागवत जी की बातें हमको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। मैं बागवत जी के बारे में एक दो जानकारी और देकर विषय पर आना चाहता हूं, ये भूमिका के रूप में कह रहा हूं। बागवत जी भारत देश के उन महान ऋषियों में गिने जाते हैं जिन्होंने चरक से भी ज्यादा काम किया। ये बात को बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, लेकिन मैं विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं। अब तक हमने बार बार चरक का नाम सुना है, चरक चरक चरक। बागवत जी चरक के शिष्य थे और चरक ने जितने साल काम किया उससे डेढ़ गुना ज्यादा काम बागवत जी का है। चरक जी के जाने के बाद चरक ने जो सूत्र लिखे हैं, जो उनकी खोज है, रिसर्च है, चरक संहिता जो पूरा का पूरा शास्त्र है, उसके एक एक सूत्र को प्रमाणित करने का काम बागवत जी ने किया। प्रमाणित करने का मतलब ऑब्जर्वेशन करना, फिर जैसा रिजल्ट है वैसा ही प्राप्त करना। जैसे चरक ऋषि ने कहा ये खाने से ये होता है, मान लो उन्होंने एक स्टेटमेंट कर दिया कि ये वस्तु खाने से ये होता है, बागवत जी ने उसको प्रमाणित करने में 25 साल लगा दिए, 20 साल लगा दिए, 30 साल लगा दिए, और जब तक देख नहीं लिया तब तक उसको लोगों को कहने लायक नहीं माना। हमारे आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के जो विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि चरक जो थे महापंडित थे, बहुत ऊंचे स्थान के व्यक्ति थे, लेकिन बागवत जी थे वो साधारण आदमियों के चिकित्सक थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चरक ने जो बातें बहुत गहराई से और गूढ़ शब्दों में कही हैं, बागवत जी ने उनको बहुत सरल करके साधारण लोगों की समझ में आए वैसा प्रस्तुतीकरण कर दिया है। बागवत जी की ये दो पुस्तकें अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैंने चरक को पढ़ लिया, सुश्रुत को पढ़ लिया, निघंटू को पढ़ लिया, सबको पढ़ लिया, क्योंकि उन्होंने सबका निचोड़ डाल दिया उसमें। और वो ये कहते हैं कि अब मैंने जो तैयार कर दिया है अष्टांग हृदयम या अष्टांग संग्रहम, ये आम आदमी के लिए है, वो चाहे तो इसका पालन करे और अपने जीवन में मेरी तरह से सुखी और निरोगी रहे। बागवत जी 135 वर्ष तक जिंदा रहे और उनके शिष्य बताते हैं कि उन्होंने इच्छा मृत्यु को धारण किया, माने उनकी इच्छा हो गई थी कि अब बहुत दिन जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं है, तो मृत्यु को वरण किया। ऐसे पंडित आदमी, इतनी कमांड अपने शरीर पर। और वो ये कहते हैं जब मृत्यु को जा रहे थे तो उनके शिष्य कह रहे थे कि परेशान हम हो जाएंगे, आप चले जाएंगे, उनका कोई परेशानी नहीं है, ये शरीर छोड़ूंगा दूसरा धारण करूंगा,
जैसे तुम शर्ट बदलते हो मैं बदल लूंगा, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए, इस शरीर का सीमा हो गया है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मृत्यु को धारण किया अपनी इच्छा से, उन्होंने जो कुछ अपने जीवन में किया है वो दो ही पुस्तकों में सारा समाहित है, तीसरी कोई पुस्तक उन्होंने लिखी नहीं, और वही दोनों पुस्तकों में कुल मिलाकर 7000 सूत्र हैं। 7000 दो पुस्तकों में कुल मिलाकर 7000 सूत्र हैं। सभी सूत्र संस्कृत में हैं, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि उस जमाने में हिंदी थी नहीं, तमिल थी नहीं, तेलुगु थी नहीं, ज्यादा से ज्यादा संस्कृत ही थी या प्राकृत थी, तो संस्कृत में उन्होंने सब कुछ लिखकर छोड़ दिया। वही सूत्र मैं पिछले कई वर्षों से पढ़ता रहा, 4-5 वर्षों से तो बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूं, जब से मुझे मन में ये बात आई पढ़ता रहा। और हमारा जो अभियान है जो पूरे देश में हम चलाते हैं स्वदेशी के लिए, उससे ये बहुत गहराई से जुड़ा है, क्योंकि हमारे अभियान में अब तक हम ये बात करते थे ना कि घर में पेप्सी कोला कोका कोला मत लाओ क्योंकि विदेशी पेय है, फिर मैं ये भी कहता था ये पीने लायक नहीं है, टॉयलेट क्लीनर है, बहुत साल पहले मैं बोल के गया था चेन्नई में, अब सरकार ने भी मान लिया है कि टॉयलेट क्लीनर है और वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि टॉयलेट क्लीनर है। तो ये बातें हम स्वदेशी अभियान में जोड़कर चलते थे। जब मुझे पता चला कि इसी स्वदेशी अभियान का एक बड़ा हिस्सा है, पेप्सी कोका कोला भारत से धन लूटकर अमेरिका ले जा रहा है, ऐसे एलोपैथी चिकित्सा की दवाएं बनाकर कंपनियां उससे भी ज्यादा लूट कर ले जा रहे, एक अमेरिकन कंपनी है उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, उसकी बैलेंस शीट मैंने देखी तो उनका मुनाफे का प्रतिशत 20,000 है, माने 20,000% प्रॉफिट कमा रहे हैं वो भारत में। पेप्सी कोका कोला तो 1000% पे काम कर रहे हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल 20,000% पे काम कर रहे हैं। एक अमेरिकन कंपनी है एली लिली, उनका प्रॉफिट परसेंटेज 35,000 है, 35,000% मुनाफा कमा रहे हैं वो भारत में। तो ध्यान में आया कि विदेशी कंपनियां पेप्सी कोका कोला बेचकर जितना धन कमा रही हैं, उससे कई गुना ज्यादा एलोपैथी की दवाएं बेचकर कमा रही हैं, और उस धन को कमाने में भारत के चिकित्सक उनकी थोड़ी मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्हीं दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं जो ये कंपनियां बेच रही। मैंने बहुत सारे चिकित्सकों से ये पूछने का लगातार प्रयास किया है कि आप इसी कंपनी की दवाएं क्यों लिखते हैं। मान लो एक चिकित्सक है बहुत पैसे वाला है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की ही दवाएं लिखता है, बंबई में मैंने ये ज्यादा काम किया, और एक है वो एली लिली की ही लिखता है, एक है सेंडोज की ही लिखता है, एक सीबा गाइगी की ही लिखता है, तो पता चला कि उनका कमीशन फिक्स है। ये खराब शब्द बोलने के लिए आप मुझे माफ करेंगे, डॉक्टरों का कंपनियों से कमीशन फिक्स है, माने कमीशन जो कंपनी ज्यादा देगी वो उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे। इसका मतलब यह है कि उनको आपकी चिकित्सा से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपने कमीशन की चिंता है, और वो कमीशन खाकर ऐसी दवाएं भी लिखेंगे आपको जो जरूरत नहीं है, गैर जरूरी है। अक्सर आपने देखा है कि एक साथ कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है 18-20 गोलियां लिखी हुई हैं, 4 सुबह 4 दोपहर 4 शाम 4 रात गोलियां ऐसे खिलाते हैं जैसे सब्जियां खाएं हम, और वो तो कहते हैं कि सब्जी वब्जी खाओ ही मत, गोलियां ही खाते रहो। हाँ, विटामिन बी के लिए भी गोली खा लो, विटामिन सी के लिए भी गोली खा लो, विटामिन ए के लिए भी गोली खा लो, और गोली से भी ज्यादा इंजेक्शन लगवा लो, और अब तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या सब बना दिया। माने जो प्रकृति हमें दे रही है उसके चक्कर में न फंस के ये गोलियों के चक्कर में फंसो, ताकि कंपनी का माल बिके, ताकि उनका भी कमीशन बढ़े। ये पूरे देश में चल रहा है, कहीं ज्यादा कहीं कम। मैं आपको विनम्रतापूर्वक ये कहने आया कि जिस चिकित्सक को भगवान मानकर आप उसके पास जाते हैं, पैसे भी देते हैं, फीस भी देते हैं, लेकिन वो दवा आपको देता है कमीशन के आधार पर, कि ज्यादा कमीशन है तो ये दवा लिखनी है, नहीं तो नहीं लिखनी। और भारत की सरकार बिल्कुल भी फेल हो चुकी है इस कमीशनखोरी को रोकने में, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है कि डॉक्टरों की कमीशन खोरी पर वो कंट्रोल कर सके। जो शपथ लेकर डॉक्टर निकल रहे हैं उसके ठीक उल्टे काम वो अपने जीवन में कर रहे हैं। एक शपथ उनको दिलाई जाती है, वो शपथ लेकर निकलते हैं, उसमें बड़ी बड़ी बातें हैं लेकिन जीवन ठीक उसका उल्टा है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लगा
कि बागवत जी की बात जो वो कहते हैं कि 85% जो जीवन की चिकित्सा है वो हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है, 15% के हिस्से में विशेषज्ञ की जरूरत है, तो मुझे लगा कि जो 85% है वो तो जानो, और वो जानने के लिए 5-6 साल जो काम किया मैंने उसमें से कुछ सूत्र मैंने निकाले। भागवत जी के 7000 सूत्र हैं, सभी सूत्रों पे बात करूं तो कम से कम तो महीना सवा महीना लगता है, वो भी रोज 3 घंटे बात करूं तो मैंने कहा और सोचा कि इतना समय किसी के पास भी नहीं है और शायद मेरे पास भी नहीं है, तो इनमें से कुछ सूत्र हैं जो बहुत जरूरी लगते हैं वो निकालो। तो भारत में जैसे मैंने हार्डिकर जी का नाम लिया, उनकी मैंने मदद ली इसमें, और हार्डिकर जी के बराबर के कई ऐसे वैद्य हैं उनकी मदद मैंने ली, और मैंने कहा कि आप मुझे बताओ ये सूत्र ये सूत्र ये सूत्र ये सूत्र बहुत ही जरूरी है, बिना इसके आदमी का जीवन ही नहीं चलेगा, ये पहले मुझे बता दो। तो उन्होंने बताना शुरू किया तो वो 7000 से घटके 3000 तक आए, फिर मैंने कहा ये 3000 में मुझे बताओ, तो 3000 से 1000 पर आए, फिर 500 पर आए, फिर 500 से 50 पर आ गए, और वो 50 के बाद भी उन्होंने कहा अगर तुम ये 50 भी नहीं बता सकते तो ये 15 तो जरूर बता दो। तो मैं तो आपको 50 तो कम से कम बताने ही वाला हूं क्योंकि अगले 5-6 दिन मेरे पास समय है, लेकिन उन 50ों में जो 15 हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं, भागवत जी खुद मानते हैं और उनके नीचे के जितने भी विशेषज्ञ हुए हैं पिछले 1000ों सालों में वो भी मानते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। उसमें से पहला सूत्र मैं बात शुरू करता हूं। आपके पास अगर कागज पेन हो तो जरूर निकाल लीजिए, नोटबुक है तो बहुत अच्छा होगा, डायरी है तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि पता नहीं दोबारा कब कौन व्यक्ति इस विषय पर आपसे बात करने आएगा, और अगर नहीं है कागज पेन कॉपी तो भी चिंता मत करिए, क्योंकि मैंने पिछले कुछ वर्षों में काम करते करते ये सूत्रों को किताब में भी लिख डाला है, मैंने किताब बना दी है, भागवत संहिता जो है माने भागवत जी की अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रम, इनके सूत्रों को कलेक्ट करके सेलेक्ट करके 3 भाग में एक पुस्तक बनाई है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अष्टांग हृदयम, भाग 1 भाग 2 भाग 3, मूल लेखक भागवत जी हैं, मैंने सिर्फ सिलेक्शन किया और सिलेक्शन के साथ आज के हिसाब से उसको थोड़ा विश्लेषित किया है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं तो आपको मेरी बात समझ में आए, भागवत जी ने एक सूत्र लिखा, अब मैं संस्कृत में बात नहीं करूंगा क्योंकि समय बढ़ जाएगा, एक सूत्र उन्होंने लिखा कि भोजन को बनाते समय, इसको माताएं बहनें सब बहुत ध्यान से सुने, पुरुष भी सुने तो अच्छा है, भोजन को बनाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश अगर नहीं मिला, किसको, भोजन को, जिस भोजन को आप बना रहे हैं या पका रहे हैं उसको पकाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश नहीं मिला वो भोजन कभी नहीं करना। क्यों, तो वो आगे लिखते हैं ये भोजन नहीं विष है, और फिर आगे लिखते हैं कि दुनिया में 2 तरह के विष हैं, एक ऐसे विष होते हैं जो तत्काल असर करते हैं और एक ऐसे विष होते हैं जो धीरे धीरे असर करते हैं। तत्काल असर वाले विष आप जानते हैं, जीभ पर एक ड्रॉप डालो मर जाओ, ऐसे बहुत विष हैं, और धीरे धीरे असर करने वाले विष माने 2 साल में 5 साल में 10 साल में 15 साल में 20 साल में असर करेंगे और आपको मरने की स्थिति में पहुंचा देंगे। तो सूत्र उनका इतना है कि जिस भोजन को बनाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश ना मिले वो भोजन को कदापि ना करें, क्योंकि वो विष है। अब ये तो सूत्र है, पहले संस्कृत है, मैंने वो हटा दिया, संस्कृत नहीं कहा, सीधे हिंदी में कहा। अब इस हिंदी का विश्लेषण करें, हम कहना क्या चाहते हैं वो, और आज के हिसाब से विश्लेषण करें, सन 2007 के हिसाब से विश्लेषण करें। अब तक मैंने जो बोला वो भागवत जी का हिस्सा था, अब जो वो बोल रहा हूं वो मेरा हिस्सा है। भागवत जी कह रहे हैं कि प्रेशर कुकर का भोजन ना करें, क्योंकि प्रेशर कुकर एक ऐसी तकनीक है जिसमें भोजन बनाते समय ना तो सूर्य का प्रकाश जा सकता है ना पवन का स्पर्श उसको मिलेगा। प्रेशर कुकर से जो भी है वो हवा बाहर तो आ सकती है, बाहर की हवा अंदर जाने की उसमें कोई डिवाइस नहीं है, कोई रास्ता नहीं, सूर्य का प्रकाश उसमें अंदर जाए ऐसी कोई टेक्नोलॉजी उसमें डेवलप नहीं हुई है।
तो भागवत जी ने 3500 साल पहले कहा, शायद उनको ये अंतर चेतना में आ गया होगा कि ये कभी ना कभी आदमी प्रेशर कुकर बना ही लेगा। ये मैंने मजाक में कहा, लेकिन आज के हिसाब से आपको समझ में आए इसके लिए। तो वो ये कहते हैं कि प्रेशर कुकर का भोजन ना करें, माने हमारे घर में एक प्रेशर कुकर है जिस पर भागवत जी का सिद्धांत लागू नहीं होता, माने सिद्धांत ऐसे लागू नहीं होता कि हम उसका खाना खाएं, ना खाएं, वो विष है। फिर मैंने वैज्ञानिकों से बात की कि ये प्रेशर कुकर का भोजन विष है, ऐसा भागवत जी कहते हैं, आपका क्या कहना है? तो हमारे देश में CDRI नाम की एक बड़ी लेबोरेटरी है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां के दो साइंटिस्टों ने कहा कि यार काम तो हमने करके देखा है, बात सही है भागवत जी। मैं कहता हूं ये टीवी पे बोलो, तो उन्होंने कहा ये प्रेशर कुकर कंपनियां गर्दन काट देंगी हमारी, टीवी पे नहीं बोल सकते हम, तुम चाहो तो बोलो। मैंने कहा आपकी रिसर्च क्या कहती है? वो ये कहते हैं कि ये जो प्रेशर कुकर है ज्यादा से ज्यादा या 99% एल्यूमिनियम के बने हुए हैं, एल्यूमिनियम आप जानते हैं। और वो ये कहते हैं कि भोजन रखने और बनाने का सबसे खराब मेटल अगर कोई है तो एल्यूमिनियम ही है, सबसे खराब मेटल जिसमें भोजन को आप रखें और भोजन को पकाएं वो एल्यूमिनियम ही है। और दोनों वैज्ञानिक, वो कहते हैं नाम नहीं लेना हमारा इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं, वो ये कहते हैं कि हमारा 18 साल का रिसर्च ये कहता है कि अगर इस एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर का खाना बार बार आप खाते जाओ तो गारंटी है कि आपको डायबिटीज तो हो ही जाएगा, अर्थराइटिस तो हो ही जाएगा, ब्रोंकाइटिस भी होने की पूरी संभावना है, और सबसे ज्यादा टीबी होने की संभावना है, अस्थमा टीबी ये सब होने की संभावना। मैं पूछा आपने अब तक कितनी बीमारियों को डिटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा 48 बीमारियों को हम डिटेक्ट कर चुके हैं जो प्रेशर कुकर के खाने से ही होती हैं। और ये दोनों रिसर्चर, सबसे ज्यादा इन्होंने रिसर्च किया जेलों में, जेल है ना हमारी, वहां सभी कैदियों को एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना मिलता है आप जानते हैं। तो ये दोनों वैज्ञानिक लखनऊ के हैं, लखनऊ की जेल में, लखनऊ के आसपास की जेलों में इन्होंने बहुत काम किया। वो जेलों में जाते हैं और जो कैदी एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना खाते हैं उनके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया, और उन्होंने कहा सबका जीवन कम होता है और जीवन की शक्ति कम होती है, प्रतिकारक शक्ति कम होती है, और रोग बहुत जल्दी उनको आते हैं। बाद में मैंने एक छोटा सा काम इसमें ऐड किया, वो वैज्ञानिकों से रिपोर्ट लेने के बाद मैंने ये तय किया कि पता करो कि ये एल्यूमिनियम कब से आया, क्योंकि ये ज्यादा पुरानी चीज नहीं है। तो पता चला 100-125 साल पहले आया, 100-125 साल पहले अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार के वैज्ञानिकों ने एल्यूमिनियम को हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस कराया। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों की सरकार का जो पहला नोटिफिकेशन आया एल्यूमिनियम के बर्तन बनाने का, वो जेल के कैदियों के लिए ही आया, और उनका यह तय हुआ था कि जेल के कैदियों को एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही भोजन दिया जाए, क्योंकि ये सब भारत के क्रांतिकारी हैं और अंग्रेजों को इन्हें मारना है। उस जमाने में आप जानते हैं जेल में कोई भी होता था तो वो क्रांतिकारी होता था, भगत सिंह हो या ऊधम सिंह, चंद्रशेखर हो या अशफाक उल्ला, राजेंद्रनाथ लाहड़ी हो या ठाकुर रोशन सिंह, ये सब तो क्रांतिकारी थे जो जेलों में जाया करते थे अंग्रेजों के जमाने। इनको जानबूझकर एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना देना है ताकि ये जल्दी मरे या मरने की स्थिति में आ जाए। तो समझबूझकर अंग्रेजों की सरकार ने एल्यूमिनियम के बर्तन इस देश में इंट्रोड्यूस किए। अब परिणाम क्या हुआ, अंग्रेज तो चले गए लेकिन जेलों में आज भी ये नियम चल रहा है कि भोजन एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही दिया जाएगा। अंग्रेज चले गए फिर भी ये काम चल रहा है, और अब मुश्किल ये हो गई है कि वो जेलों से हमारे घर में आ गया, और हमारे घरों से ज्यादा गरीबों के घर में आ गया, ज्यादा गरीब लोगों के भोजन तो सारे एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही बन रहे हैं, और वो बेचारे बिना जाने बूझे ट्यूबरकुलोसिस और अस्थमा जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो भागवत जी का सूत्र तो बहुत सरल है, सिंपल है, कि जो भोजन को बनाते समय सूर्य का प्रकाश या पवन का स्पर्श ना मिले वो भोजन कभी नहीं करना। मैंने उदाहरण के लिए आपको समझा दिया कि प्रेशर कुकर का भोजन नहीं करना क्योंकि ये जहर है। एक और चीज है अपने घर में, रेफ्रिजरेटर।
रेफ्रिजरेटर भी एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें सूर्य का प्रकाश नहीं जा सकता, पवन का स्पर्श भी नहीं हो सकता। और एक तीसरी चीज है अपने घर में, माइक्रोवेव ओवन, इसमें भी सूर्य का प्रकाश नहीं जा सकता, पवन का स्पर्श नहीं हो सकता। मतलब सीधा सा यह है कि आधुनिक तकनीकी से बनी हुई चीजें जो हमारे घरों में आई हैं पिछले 15-20 वर्षों में, भागवत जी के अनुसार इनमें रखा हुआ पकाया हुआ भोजन विष है तो ना करें। नहीं तो क्या होगा, आप कहेंगे जी हम तो करेंगे, हम तो छोड़ नहीं सकते प्रेशर कुकर को, हम तो छोड़ नहीं सकते रेफ्रिजरेटर को, हम तो छोड़ नहीं सकते माइक्रोवेव ओवन को, क्योंकि इसमें भोजन से समय बचता है। मेरा बहुत सारी माताओं और बहनों से तर्क हुआ है, वो ये कहते हैं कुकर में खाना बनाने से समय बचता है। तो मैं उनसे पूछता हूं, ठीक है समय बचता है तो बचे हुए समय का क्या करती हैं? तो ज्यादातर माताओं बहनों का उत्तर है, सास भी कभी बहू देखते हैं। इधर प्रेशर कुकर में खाना बना के समय बचा, फिर हमने टीवी के सामने वो समय इन्वेस्ट कर दिया, तो नेट रिजल्ट क्या? और फिर मैं जब उनको समझाता हूं कि ये जो आपने आधा घंटा या एक घंटा समय बचाया भोजन पकाने में, ये आपका घंटों घंटों हॉस्पिटल में खराब कराएगा। तब दो घंटे रोज के हिसाब से मान लो बचा लिया, और साल भर में आपने 700-800 घंटे बचा लिए, कल्पना करो। फिर एक दिन हॉस्पिटल में भर्ती हो गए और 2-4 महीने वहां निकल गया, नेट रिजल्ट क्या? वही शून्य का शून्य। तो ये एक सूत्र है जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भोजन को बनाते समय पकाते समय कोई ऐसी वस्तु जहां सूर्य का प्रकाश ना जाता हो, पवन का स्पर्श ना होता हो, वो ना करें। अब इसमें विश्लेषण की जरूरत है। भागवत जी तो लिख के चले गए, अब ये क्यों का जवाब हमें ढूंढना है, और इसमें जरूरत हो तो आधुनिक विज्ञान की मदद भी लेनी है। मॉडर्न साइंस ने कुछ लॉजिक डेवलप किए हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस उन्होंने दिए हैं, तो उनकी मदद से ये क्यों ना करें, क्या कारण है, यहां से अब बात मैं शुरू करता हूं। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है प्रेशर कुकर के बारे में, ये जाने। प्रेशर कुकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो खाने को जल्दी पकाती है, यह है सीधा सा मतलब। अब खाने को जल्दी पकाने के लिए यह प्रेशर कुकर क्या करता है, जो भोजन आपने उसमें अंदर रखा है पकने के लिए उस पर, और जो पानी डाला है आपने भोजन पकाने के लिए उस पर, अतिरिक्त दबाव डालता है। यह है प्रेशर, प्रेशर माने दबाव। तो अतिरिक्त दबाव डालने की टेक्नोलॉजी है प्रेशर कुकर। और यह अतिरिक्त दबाव कहां से आता है, प्रेशर कुकर में आपने दाल डाली, ऊपर से पानी डाला, थोड़ा हल्दी मसाले डालकर बंद करके रख दिया। अब उसमें एक वो एक सीटी लगा दी, वो सीटी लगाई, यही सबसे खतरनाक चीज है पूरे प्रेशर कुकर के। सीटी ना लगाएं तो आपका प्रेशर कुकर आपके लिए अच्छा है। सीटी लगाते ही क्या करता है, पानी गर्म होगा, आप जानते हैं पानी गर्म होने से वाष्पीकरण शुरू होता है, वेपराइजेशन शुरू होता है। तो पानी की वाष्प प्रेशर कुकर में चारों तरफ इकट्ठी हुई, वो वाष्प जो है ना वो दबाव डालती है, किस पर, दाल पर, चावल पर, सब्जी पर। ये दबाव डाल के होता क्या है, दाल एक कल्पना करिए, अरहर की दाल, थोड़ी देर के लिए कल्पना, अरहर की दाल के छोटे छोटे टुकड़े, एक दाल को तोड़कर दो टुकड़े, जिसको द्विदल कहते हैं, जैन समाज के लोग तुरंत समझ में आ जाएंगे, द्विदल, चने की दाल, अरहर की दाल, ये सब द्विदल है। इसको तोड़कर आपने दाल बनाई है, अब ये दाल पानी में पड़ी है, नीचे से गर्म और ऊपर से भाप का दबाव, तो ये दाल जो है ना फट जाती है। फटना समझते हैं, वो दरकना शुरू हो जाता है। उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं, दाल को, दाल के अंदर जो अणु हैं, वो अणु एक दूसरे को जो जकड़कर बैठे हुए हैं, ये पानी का प्रेशर उन अणुओं को तोड़ता है और दाल दरकना शुरू होती है। वो दाल दरक जाती है और पानी इतना गर्म होता है तो उबल जाती है, पकती नहीं है, उबलती है। पकना और उबलने में अंतर है। तो उबल जाती है और दरक जाती है, आप खोलते हैं 5 मिनट बाद आपको लगता है दाल पक गई है, पक नहीं गई है, वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, नरम हो गई है, क्योंकि नीचे से गर्मी पड़ी, ऊपर से प्रेशर पड़ा वाष्प का, वो पकी नहीं है, उबल गई है और उसका सॉफ्टनेस बढ़ गई है। तो आपने खा लिया तो आपने कहा पकी हुई दाल खा ली, माफ करिए दाल पकी हुई नहीं है,
फिर आप बोलेंगे जी पकी हुई दाल और इस दाल में क्या अंतर है। पकी हुई दाल का आयुर्वेद में एक सिद्धांत है, आयुर्वेद में वैसे सभी सिद्धांत हैं, उसमें से एक मैं आपसे बता रहा हूं। आयुर्वेद चिकित्सा ये कहती है कि जिस वस्तु को खेत में पकने में जितना ज्यादा समय लगता है, जिस वस्तु को पकने में खेत में जितना ज्यादा समय लगता है, भोजन रूप में पकने में भी उसको ज्यादा समय लगता है। अब अरहर की दाल की बात करें, आप में से थोड़ा भी गांव से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति होगा तो आप जानते हैं अरहर की दाल को खेत में पकने में कम से कम 7 से 8 महीने लगता है, कम से कम 7 से 8 महीना लगता है। क्यों? अरहर की दाल में जो कुछ भी है, जिसको आप न्यूट्रिएंट के रूप में जानते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में जानते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में जानते हैं, वो मिट्टी से दाल तक आने में सबसे ज्यादा समय लगता है। ये जो मिट्टी है ना खेत की, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का खजाना है। खेत की मिट्टी में कैल्शियम है, खेत की मिट्टी में आयरन है, खेत की मिट्टी में सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, जिप्टन है, जोरोन है, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खेत की मिट्टी में है। ये पौधे की जड़ में आते हैं, जड़ से तने में आते हैं, तने से फल में आते हैं। इस पूरी क्रिया में बहुत समय लगता है, तो इसलिए दाल को पकने में समय लगता है। तो आयुर्वेद ये कहता है कि जिस दाल को खेत में पकने में ज्यादा समय लगा, उसको घर में भी पकने में ज्यादा समय लगना चाहिए। क्यों? ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे एब्जॉर्ब हुए हैं दाल में, खींचकर आए हैं दाल में, इनको डिसॉल्व होने में भी धीरे धीरे ही समय लगेगा। आप दाल क्यों खाना चाहते हैं? आप दाल खाना चाहते हैं प्रोटीन के लिए। प्रोटीन कहां से आएगा? ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कलेक्शन दाल में इकट्ठा है, इनके टूट जाने पर, बिखर जाने पर। तो वो बिखरने और टूटने में उसको देरी लगने वाली है, क्योंकि आने में देरी लगी है। ये प्रकृति का सिद्धांत है, आयुर्वेद का नहीं कहना चाहिए, प्रकृति का सिद्धांत है। बच्चे को पेट के अंदर गर्भाशय में विकसित होने में समय लगता है। दुनिया में हर चीज को विकसित होने में समय लगता है, जल्दी कुछ नहीं होता, इसलिए दाल भी जल्दी नहीं पकती, बच्चा भी जल्दी नहीं होता। सभी चीजों में यह है, प्रकृति का नियम है। और प्रकृति का दूसरा नियम है कि जिन चीजों को पकने में, बड़ा होने में ज्यादा समय लगा है, उनको डिसॉल्व होने में भी ज्यादा समय लगेगा। और दाल जब डिसॉल्व होगी तब उसके प्रोटीन्स आपको मिलेंगे भोजन में, इसीलिए आप दाल खा रहे हैं, ताकि आपको प्रोटीन की कमी पूरी हो। कुछ विटामिन्स आपको चाहिए, कुछ प्रोटीन्स आपको चाहिए, कुछ और दूसरे अंश आपको चाहिए। तो आयुर्वेद का नियम बिल्कुल सीधा है कि दाल ज्यादा देर में पकी है तो घर में भी ज्यादा देर में पके। अब मेरे समझ में आया कि हमारे पुराने लोग जो बुजुर्ग थे वो कितने बड़े वैज्ञानिक थे। मैं एक बार जगन्नाथपुरी गया था, आप भी गए होंगे, तो वहां भगवान का प्रसाद बनाते हैं तो प्रेशर कुकर में नहीं बनाते, आप जानते हैं। हालांकि वो चाहें तो प्रेशर कुकर रख सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथपुरी के मंदिर के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। तो मैंने मंदिर के महंत को पूछा कि ये भगवान का प्रसाद, माने वहां दाल और चावल मिलता है प्रसाद के रूप में, वो मिट्टी की हांडी में क्यों बनाते हैं? आप में से जो भी गए हैं जगन्नाथपुरी, आप जानते हैं वो मिट्टी की हांडी में दाल मिलती है और मिट्टी की हांडी में चावल मिलता है, या खिचड़ी मिलती है, जो भी मिलता है प्रसाद के रूप में। तो मैंने महंत को पूछा कि आप ये मिट्टी की हांडी में ही क्यों बनाते हैं? तो उसने एक ही वाक्य कहा, मिट्टी पवित्र होती है। तो ठीक है, पवित्र होती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन वो जो नहीं कह पाया महंत, वो आपको मैं कहना चाहता हूं कि मिट्टी न सिर्फ पवित्र होती है, बल्कि मिट्टी सबसे ज्यादा वैज्ञानिक होती है। क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में जो कुछ है वो शरीर में है, और शरीर में जो है वो मिट्टी में है। हम जब मरते हैं ना और शरीर को जला देते हैं तो 20 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है पूरा शरीर। 70 किलो का शरीर, 80 किलो का शरीर मात्र 20 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है, जिसको राख कहते हैं। और इस राख का मैंने विश्लेषण करवाया एक लेबोरेटरी में, तो उसमें कैल्शियम निकलता है, फास्फोरस निकलता है, आयरन निकलता है, जिंक निकलता है, सल्फर निकलता है, 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं मरे हुए आदमी की राख में। ये सब वही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो मिट्टी में है। इन्हीं 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से मिट्टी बनी है, यही 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स शरीर में है जो मिट्टी में बदल जाता है। तो महंत का कहना कि मिट्टी पवित्र है, वो बहुत वैज्ञानिक स्टेटमेंट है। बस इतना ही है कि वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता,
एक्सप्लेन क्यों नहीं कर सकता? आधुनिक विज्ञान उसने नहीं पढ़ा या उसको मालूम नहीं है, लेकिन आधुनिक विज्ञान का रिजल्ट मालूम है, पवित्रता रिजल्ट उसे मालूम है, विश्लेषण नहीं मालूम। वो हमारे जैसे मूर्खों को मालूम है। मैं अपने को उस महंत की तुलना में मूर्ख मानता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे ये विश्लेषण करने में 3 महीने लग गए, वो बात 3 मिनट में समझा दिया कि मिट्टी पवित्र है। तो ये मिट्टी की जो पवित्रता है, उसकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है, उसमें से आई है। तो मिट्टी में दाल आई है, दाल आपने पकाई है, तो महंत कहता है कि मिट्टी पवित्र है, इसलिए हम मिट्टी के बर्तन में ही दाल पकाते हैं, भगवान को पवित्र चीज ही देते हैं, अपवित्र चीज भगवान को नहीं दे सकते। अच्छा, मैं वो दाल ले आया और भुवनेश्वर लेके गया, पुरी से भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में CSIR का एक लेबोरेटरी है, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का लेबोरेटरी है, जिसको रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी कहते हैं। तो वहां ले गया, कुछ वैज्ञानिकों से कहा ये दाल है, उन्होंने कहा हाँ हाँ ये पुरी की दाल है। मैंने कहा इसका विश्लेषण करना है, इस दाल में क्या है? तो उनके यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, 6-8 महीने लगेगा। मैंने कहा ठीक है फिर भी। तो उन्होंने कहा हमारे पास पूरे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हमारे पास जो जो चाहिए वो नहीं है, आप दिल्ली ले जाओ तो बेहतर है। तो मैंने कहा दिल्ली ले गया तो खराब तो नहीं होगी? उन्होंने कहा नहीं होगी, क्योंकि ये मिट्टी में बनी है। तो पहली बार मुझे समझ में आया मिट्टी में बनी है तो खराब नहीं होगी। तो मैं ले गया दिल्ली तक, सच में ले गया। और भुवनेश्वर से दिल्ली पहुंचने में आप जानते हैं करीब करीब 36 घंटे से ज्यादा लगता है। दिल्ली में दिया, कुछ वैज्ञानिकों ने उस पर काम किया और उनका जो रिजल्ट है, जो रिसर्च है, जो रिपोर्ट है, वो ये है कि इस दाल में एक भी माइक्रो न्यूट्रिएंट कम नहीं हुआ पकाने के बाद भी। इस दाल में एक भी माइक्रो न्यूट्रिएंट कम नहीं हुआ पकाने के बाद भी। फिर मैंने उन्हीं वैज्ञानिकों को कहा कि भैया प्रेशर कुकर की दाल का भी जरा देख लो। तो उन्होंने कहा ठीक है वो भी देख लेते हैं। तो प्रेशर कुकर की दाल को जब उन्होंने रिसर्च करके देखा तो उन्होंने कहा इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम है। मैं पूछा परसेंटेज वाइज बता दो, तो उन्होंने कहा अगर अरहर की दाल को मिट्टी की हांडी में पकाओ और 100% माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो कुकर में पकाने में 13% ही बचते हैं, 87% नष्ट हो गए। मैं पूछा कैसे नष्ट हुए, तो उन्होंने कहा ये जो प्रेशर पड़ा है ऊपर से और इसने दाल को पकने नहीं दिया, तोड़ दिया, मॉलिक्यूल्स टूट गए हैं, तो दाल तो बिखर गई है, पकी नहीं है, बिखर गई है, सॉफ्ट हो गई है। तो खाने में हमको ऐसा लग रहा है कि ये पका हुआ खा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो नहीं है। पके हुए से मतलब ये होता है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको कच्चे रूप में शरीर को उपयोग नहीं आते, उनको आप उपयोगी बना लें, इसको पका हुआ कहते हैं आयुर्वेद में। जो सूक्ष्म पोषक तत्व कच्ची अरहर की दाल खाने में शरीर को उपयोगी नहीं आएंगे, वो उपयोगी आने लायक बनाए, उसको पका हुआ कहा जाता है या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये मिट्टी की हांडी की दाल बहुत बहुत क्वालिटी में ऊंची है, बशर्ते कि आपके प्रेशर कुकर की। और दूसरी बात तो आप सभी जानते हैं, वो मुझे सिर्फ रिपीट करनी है कि मिट्टी की हांडी की बनाई हुई दाल को खा लीजिए तो जो उसका स्वाद है वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आप। इसका मतलब क्या है? भारत में चिकित्सा का और शास्त्र पाक कला का ऐसा विज्ञान विकसित हुआ है जहां क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी और स्वाद भी मेंटेन रहेगा। तो मिट्टी की हांडी में बनाई हुई दाल को खाएं तो स्वाद बहुत अच्छा है और शरीर की पोषकता उसकी इतनी जबरदस्त है कि दाल का सही खाने का मतलब उसमें है। तब मैंने गांव-गांव घूमता रहता हूं तो पूछना शुरू किया, तो बोलते हैं लोग कि ज्यादा नहीं 30-40 साल पहले सब घर में मिट्टी की हांडी की दाल थी। मेरी दादी को पूछा तो दादी कहती है कि हम तो जिंदगी भर मिट्टी की दाल ही खाते रहे। तब मेरे समझ में आया कि मेरी दादी को डायबिटीज क्यों नहीं हुआ, तब मुझे समझ में आया उसको घुटने का दर्द क्यों नहीं हुआ, तब मुझे समझ में आया उसके 3200 दांत मरने के दिन तक सुरक्षित थे क्योंकि हमने उसका अंतिम संस्कार किया, अगले दिन जब राखी लेने गए तो सारे दांत उसके 32 के 32 निकले। तब मेरे समझ में आया कि 94 साल की उम्र तक मरते समय चश्मा क्यों नहीं लगा उसकी आंखों पे, और जीवन के आखिरी दिन तक अपने कपड़े खुद अपने हाथ से धोते हुए मरी थी।
ये कारण है कि शरीर को आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति अगर नियमित रूप से होती रहे तो आपका शरीर ज्यादा दिनों तक बिना किसी दूसरे की मदद के काम करता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरा सप्लाई मिला दाल में, जो खाई थी उसने मिट्टी की हांडी में पका पका के, और न सिर्फ दाल पकाती थी वो मिट्टी की हांडी में, बल्कि दूध भी मिट्टी की हांडी में पकाती थी, घी भी मिट्टी की हांडी से ही निकालती थी, दही का मट्ठा भी मिट्टी की हांडी में ही बनता था। अब मेरे समझ में आया कि हजारों साल से मिट्टी के बर्तन क्यों इस देश में आए, हम भी एल्यूमिनियम बना सकते थे। देखिए, बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो ये